हेलो हाय सलाम सत श्री अकाल नमस्ते। मैं हूं आपका मनीष नागदेव, वेलकम बैक टू नागदेव वाइब्स। तो सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने नया लैपटॉप लिया है और कितने अच्छी डील में लिया है, और आप लोगों ने उसको बहुत सारा प्यार भी दिया उस ब्लॉग को जो ब्लॉग लिए है। और इसलिए सोचा कि अभी इतना महंगा लैपटॉप ले लिया है एप्पल का, तो फिर इसको प्रोटेक्शन तो बहुत ज़रूरी है। एंड आई ऑलवेज यू नो द मोमेंट आई बाय एनी एक्सपेंसिव गैजेट्स, तो मैं उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए कुछ दो चीज़ें मंगवाता हूँ। तो मैंने इसके इसका नाम रखा है, ये हैं कपड़े, ये इसके कपड़े हैं। तो ये चीज़ें मंगवाई हैं, सब कुछ जो इसमें मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या है। सो ये सबसे पहले देखते हैं क्या, बिकॉज आई डोंट नो कि इन सब में क्या है, क्योंकि मैंने जब लाइन से मंगवा लिया था और ये कुछ 5-6 आइटम फिर आए हैं। आई थिंक ये मेरे हिसाब से तो स्क्रीन गार्ड होगा या इसका माउस गार्ड होगा। तो ये है माउस गार्ड, लैपटॉप टच पैड प्रोटेक्टर, दिस इज लैपटॉप टच पैड प्रोटेक्टर, ठीक है। तो जो इसका जो ये है टच पैड है, इसके ऊपर ये गार्ड लग जाता है जिससे आपका टच पैड ख़राब नहीं होता, सेफ रहता है। तो पहले पहले ये करेंगे हम, ठीक है। तो लगता कैसे वो चेक करना है हमें, सी ये ऐसे निकलता है। तो लेकिन इससे पहले है ना, हम क्या करेंगे, पहले इसको स्प्रे से, जो ये पूरा लैपटॉप है मैं चाहता हूँ कि ये साफ हो जाए, ठीक है। ये सॉफ्ट क्लॉथ जो स्पेक्स साफ करने के लिए होता है, और ये क्लीनर भी उसी के लिए होता है जिससे हम स्क्रीन्स साफ करते हैं। तो इसके ऊपर जो डस्ट होता है ना, उसको पहले साफ कर देंगे ताकि अगर हम ये चिपकाएं तो उसके अंदर डस्ट साथ में ना चिपक जाए, ठीक है। ये रहा, आप लैपटॉप साफ कर रहे हो कि अपनी फोटो साफ कर रहे हो? सब कुछ साफ कर रहा हूँ, मेरी फोटोज तो साफ ही रहती है, मैं ना धो के फोटोज निकालता हूँ, ठीक है। पर डस्टिंग भी कर लेते हैं, दिवाली की साफ सफाई हो गई। दिवाली आने वाली है वैसे, ठीक है। ये हो गया साफ, अभी हम जाते हैं स्टेज टू पे। कहाँ चला गया यार, इनमें ना ये प्रॉब्लम होती है, एक बार खोलो ना बाद में फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, इतना मुश्किल से खोला था मैंने उसको। ये रहा गार्ड, वाओ दैट वाज इजी, दैट वाज वेरी इजी। तो मेरा गार्ड इस पे लग चुका है, अभी इसमें बेस्ट पार्ट ये होगा कि अगर मैं इसके ऊपर मैं कुछ भी करूँगा तो इसका कलर नहीं फेड होगा, इस पे स्क्रैचेस नहीं आएंगे, बिकॉज मैक्सिमम हम लोग यही यूज़ करते हैं ना, तो नाखून लग जाते हैं या फिर बार बार उसको घस घस के उसका कलर निकल जाता है, तो इससे वो चीज़ें नहीं होंगी। आपका जो लैपटॉप है वो अच्छे कंडीशन में रहेगा, तो इसकी रीसेल भी आपको अच्छी मिलेगी। सी आई एम सो स्मार्ट। मेरा स्क्रीन का गार्ड, इस स्क्रीन का गार्ड, आज तो हम पूरे कपड़े बनाएंगे लैपटॉप को। अब मैंने इसको चड्डी बना दी है, अभी मैं इसको बनियान पहनाऊंगा, फिर गोवा भेज देंगे, फिर इसको गोवा भेजेंगे। गोवा के लिए भी आइटम है मेरे पास, मजाक नहीं, क्या बात, इसके अंदर गोवा के लिए भी आइटम है मेरे पास। ओ हाँ, तो ये देखो, ये इसका स्क्रीन गार्ड है जो यहाँ पे लगेगा, इसको इन्होंने ऐसे दिया हुआ है कि आप कैसे खोल के इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आइए हम ये भी लगाते हैं। So now what we have to do is, इसमें लिखा हुआ है fix the screen protector in place by position labels, film A, film B. So this screen guard is screen protector specially designed for MacBooks. Anti-glare matte technology effectively reduces the glare and visual fatigue. 5H hardness है इसकी. Easy to use, no residue removal, HD clear to allow an optimal and natural viewing experience. Okay. Till now we are doing it right, but there are just bubbles coming in between. तो ऐसे करने से क्या होता है ना, बबल्स जो होते हैं वो उसके अंदर जो एयर होती है ना, वो जहाँ से निकलती है बाहर, तो इसलिए इसको हमेशा मैं जब देखा है लोगों को इस करते हुए, स्क्रीन गार्ड्स लगाते हुए,
जो बाहर मोबाइल शॉप्स में लगा के देते हैं वो लोग इसी तरह से उसको लगाते हैं। और मेरे ख्याल से मैंने कुछ बुरा नहीं लगाया है, कुछ अच्छा ही लगा दिया है, नॉट बैड टाइप्स वाला है ना? नहीं ठीक। तो जो अभी हमें इसको नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि अभी हमें इसका ये निकालना है। ये हो गया स्क्रीन गार्ड लग गया। नॉट बैड यार, मतलब मैंने बुरा तो नहीं लगाया है। अब देखते हैं इसमें क्या है, इसमें क्या है। अगर आपके पास कटर ना हो तो कभी कभी आपके डेबिट कार्ड इसलिए काम भी आ जाते हैं, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। सी हैक्स, यू सी हैक्स, ओके, हियर कम्स द हीरो। ये इसका है कोट, पैंट, टी शर्ट, इसके अंदर सब कुछ है, ये पूरा सूट है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं पहले साफ करूँगा इसको, ताकि डस्ट लग चुका होगा या कुछ फिंगरप्रिंट लग गया होगा तो वो साफ हो जाएगा, ठीक है। तो सेम वी विल डू इट हियर, ओके, ये हो चुका है साफ। ये रहा मेरा ट्रांसपेरेंट, इसको एक्चुअली मैं कपड़े बनाऊंगा ट्रांसपेरेंट, ये नंगा ही दिखेगा फिर। इसको अभी हम लगाते हैं। अरे तो इतनी सारी ये लोग पैकेजिंग करते हैं ना, हर जगह प्लास्टिक 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 लगती है। तो अभी इस पर हम कपड़े पहनाएंगे इसको। ये मेरा गार्ड, इसका आगे फ्रंट का और ये बैक का। तो और ये क्या है, ये क्या है पता नहीं। अरे वाओ, ये भी आ गया साथ में। तो इसको हम डालेंगे ऐसे नीचे के ये, वाओ इंटरेस्टिंग, सी नाउ इट्स प्रोटेक्टेड नीचे से। और ये रहा ऊपर का, तो अभी हम इसके फ्रंट गार्ड भी लगा देंगे। बहुत सिंपल टू यूज है, ऐसे ही लगेगा ना ये। वाओ, दिस इज डन। सो माय लैपटॉप लुक्स लाइक दिस आफ्टर वेयरिंग क्लोथ्स एंड प्रोटेक्शन। सो नाउ ये फ्रंट प्रोटेक्ट हो गया, बैक प्रोटेक्ट हो गया, स्क्रीन गार्ड लग गया, माउस गार्ड, इसका टच पैड गार्ड लग गया। अब इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसको बोलते हैं की गार्ड। इसको हम ऐसे रखेंगे, इसको सिर्फ रखना होता है ऐसे, ये ऐसे लग गया, ठीक है, ये हो गया काम सुपर। सी नाइस। अब इसकी जो मेन इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर हमें कभी बाहर जाना हो, गोवा जाना हो, कहीं पे मालदीव जाना हो, बाहर घूमते रहते हैं ना, ट्रैवल करते रहते हैं, आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, तो मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मंगवाई है जिसको देखकर आप खुश हो जाओगे। और पुनीत तो बोलेगा कि हाँ ये तो बहुत सही चीज है। ये रहा इसका बैग, माय ट्रैवल बैग। सी हाउ इंटरेस्टिंग इट लुक्स, है ना, मस्त कलरफुल वाइब्रेंट। तो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज की। ये मेरा बैग बन जाएगा, इसको इसमें जिप दिया है, ऐसे खोलो, ये अंदर ऐसे हैंडल्स भी दिए हुए हैं, इसमें डालूंगा ऐसे, उसको जिप लगाऊंगा, ये इसमें ऐसे जिप ऊपर से लगी तो अंदर चल जाएगा। ये चीटिंग हो रही है यार, जिप कैसे लगेगी इसकी, ये उल्टा बनाया गया इन लोगों ने। उसकी जिप चढ़ेगी ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा। मेरे मुझे रॉन्ग दे दिया है इन लोगों ने, इन लोगों ने रॉन्ग दिया है, चीटिंग की है मेरे साथ। इसके हैंडल जो है वो अंदर दे दिए हैं, तो फिर इसकी जिप कैसे लगेगी अगर जिप पेंट लगानी होगी तो। ये चीटिंग हुई है मेरे साथ, धोखा हुआ है, धोखा। पर ये बैग कितना इंटरेस्टिंग, देखो मैं धर्मशाला होकर आया था, याद है? नहीं, मेरा ब्लॉग देखना,
धर्मशाला पे ब्लॉग बनाया है मैंने, और फिर मैं मुंबई में रहता हूँ, ठीक है, और मैं बैड बॉय तो हूँ ही, और मुझे बाकी सब जगहों पे जाना मेरा बाकी है, और न्यू दिल्ली में गया हूँ, गोवा तो मैं बहुत बार गया हूँ, और कहाँ गया हूँ मैं, लद्दाख, ये जगह पर मुझे जाना है, ये मेरी मोस्ट फेवरेट जगह है, ये मुझे यहाँ पे जाना है। मैं अमृतसर गया हूँ, ठीक है, वाराणसी भी गया हूँ, मैं काफ़ी घूमा हुआ हूँ यार वैसे तो, पर इसको अभी हम कुछ करेंगे, फिलहाल तो इसको ऐसे ही देख लो। मुझे अब तक रॉन्ग बैग आया हुआ है, इन्होंने अंदर से गलती से ऐसे स्टिचिंग कर दी है, मुझे भेज दिए, और मैं चेक करता हूँ वापस से ऑनलाइन कि ये क्यों हुआ है मेरे साथ। तो फिलहाल के लिए मैंने अपने लैपटॉप को कपड़े पहना दिए हैं, ये नाउ इट्स फुली प्रोटेक्टेड। तो आज का व्लॉग इतना ही था, और मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे चलते चलते, सी यू गाइस, लव यू। अच्छा गाइस, तो ये बैग का मैंने ना ऑनलाइन चेक किया, बिकॉज मुझे गुस्सा आ गया था कि हाउ कैन दे सेंड मी समथिंग लाइक दिस। तो फिर मैंने ऑनलाइन चेक किया और मैंने देखा तो उनकी फोटोज में भी ऐसा है, इसका टेक्निक ये है, मतलब जो इन्होंने अपने हिसाब से बनाया है, इन्होंने दो जिप दी है, एक यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी और एक यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, ठीक है, और आपके ऐसे हैंडल्स बाहर निकलेंगे ऐसे, और ये आप उसको फिर यूज़ कर सकते हो।